हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज मेरा ब्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है और आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के दिन मैं जा रहा हूँ कासगंज और आपको आज मैं कासगंज में दिखाने वाला हूँ कासगंज के लोकल एरिया का सबसे फेमस मंदिर चामुंडा देवी का मंदिर। और दोस्तों अभी मैं कासगंज से 5 किलोमीटर की दूरी पर हूँ और ये लोकेशन देखिए आप, लोकेशन कितनी अच्छी है। ये चारों तरफ आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना कि एकदम बारिश का मौसम है हल्का हल्का और धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है और काफी अच्छा मौसम है। और अभी देखिए ये ट्रेन की पटरी का रास्ता गया हुआ है और ये कच्चे रास्ते से अभी हम कासगंज जो हाथरस रोड है उस पर जाएंगे और उससे हम 5 किलोमीटर की दूरी पर है कासगंज पहुंच जाएंगे। गाइस जाना नहीं क्योंकि मैं भी हूँ इसमें। हाँ गाइस, आज मेरी छोटी सिस्टर यानी कि सोना भी आज मेरे साथ आई हुई है, और बने रही है हमारे ब्लॉग में। गाइस देखो ये जेसीबी खड़ी हुई है और ये जो कच्चा रास्ता है ये अभी बन रहा है रोड, और इसलिए इस पर काम चल रहा है। और भैया रोड जब बन जाएगा ना तो यहाँ से बहुत पास पड़ता है कासगंज, तो जाने में आसानी रहा करेगी। और गाइस देखो ये बंदर ही जो है बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या कारखाना, देखो ये कोई फैक्ट्री है तो इसमें काम कुछ चल रहा है, तो ये यही आसपास घूमते रहे तो ये काले पड़ गए। देखो ये बंदर बैठे हुए इतने काले। अब गाइस जो है वो नदराई वाला पुल है वो अभी आने वाला है, उसकी रास्ता गई हुई है तो वो आपको अभी दिखा देते हैं। नदराई हम कई बार घूम चुके हैं और आपको ब्लॉग भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसे। मैं अपना लिंक लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और तब तक अभी आप रोड से व्यू देखिए। गाइस देखो ये गया हुआ है ये बाईपास के लिए रोड, और अभी आपको दिखाते हैं आगे आने वाली रास्ता है। देखो ये आ गया पुल हमारा, और ये देखिए गाइस यहाँ से आप जाओगे ना तो वहाँ ये पुल बने हुए हैं और चोर की जो कटरियाँ आपने सुनी है वो सारी वहाँ बनी हुई है। बहुत ही अच्छी जगह है गाइस, लोकल एरिया के तो आप घूमने आए होंगे। तो गाइस देखो अभी हम यहाँ पे मेन रोड पे रुके हुए हैं, देखो आप पीछे देखो ये चल रहा है रोड पूरा। भैया ने कहा था कि ये हेलमेट ले लेंगे क्योंकि आगे पुलिस वाले हो सकते हैं, तो शायद चालान काट देंगे, पहले काट दिया था भैया का। मैं दिखा रही हूँ भैया, देखो भैया ने पहन लिया, भैया कैसे लग रहा है। देखो कावर वाले अभी आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत दूर से चल के आते हैं ये और पैदल ही आते हैं यहाँ पे। गाइस ये महाराजा अग्रसेन द्वार, तो हम एंट्री कर चुके हैं। तो गाइस अभी हमने यहाँ किसी से पूछा है चामुंडा देवी के मंदिर के लिए किधर जाना है, क्योंकि बहुत टाइम से आए नहीं है तो भूल गए। तो अभी किसी ने बताया कि बड़ा सा लाल सा गेट पड़ता है तो उधर हमें मुड़ना है, तो देखे। और गाइस ये आ गया ये बड़ा सा गेट, लाल सा गेट, और पहुंचे हैं हम लोग चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर की ये पूरी रास्ता गई हुई है और यार रास्ता बड़ा यार अच्छा है, यहाँ सबसे लगता भी है कि एक सही मंदिर पे जा रहे हैं। और यार मेरे हिसाब से यार अभी देखो यार ना अभी झूले फूले लगे हुए हैं, यहाँ यार मेला लगा हुआ है लग रहा है। हाँ गाइस देखो ये लेकिन अभी बंद है, अभी चल नहीं रहे। और गाइस ये हम पहुंच चुके हैं चामुंडा देवी मंदिर। गाइस देखो अभी ये जो मेन गेट है यहाँ मंदिर में जाने के लिए, और आप जब इधर की तरफ देखोगे ना तो इधर देखो झूले वगैरह लगे हुए हैं। और यार देखो ये किला यार देखो कितना पुराना किला लग रहा है, मुझे लगता है काफी टाइम पुराना किला है ये। तो सोना किला देखा तुमने यार, कैसा किला, कितना बहुत पुराना है किला, और अच्छा तो लग रहा है बड़ा है। पुराने जमाने की चीज होती है ना उनके देखने का यार कुछ मजा ही अलग होता है। अब बड़ा यार बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ, और आज मौसम बड़ा अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है यार। तो चलिए अब चलते हैं गेट के अंदर। कासगंज में जब आप आओगे ना यहाँ यार मंदिर में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा फील होगा। और देखो यार गाइस मंदिर है यार, काफ़ी लोग आज आते हैं, लेकिन आज नहीं लग रहा कि अभी कुछ स्पेशल कुछ आने वाला है, तो इसी वजह से शायद लग रहा है। वैसे तो नवदुर्गे पे यहाँ मैंने सुना है मेला वगैरह लगता है, ये है मेन गेट। कितना बड़ा लगता है। और गाइस चलो मंदिर की शुरुआत करते हैं घंटा बजाने से। अच्छा ये भी बजाएगी? नहीं बजा। हाँ ठीक है। तो गाइस ये देखो ये यार मेन मंदिर है और कितना अच्छा यार एकदम बना हुआ है, एकदम यहाँ पे तो बहुत बढ़िया पत्थर लगा हुआ है ना, काफी अच्छा लग रहा है सुंदर। और देखो गाइस ये है हवन कुंड,
मंदिर को देखते हैं अंदर जाके। बंदर की सूरत भी है ये गाइस देखो। गाइस देखो ये बंदर बैठा हुआ है, ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई जाने दे अंदर यार। देखो गाइस ये है गाइस कुछ अंदर से मंदिर। बंदर गया जल्दी आ जाओ। और कभी घंटों की कुछ आवाज आ रही होगी इसलिए हो सकता है मेरी आवाज शायद आपको क्लियर ना आ रही हो। गाइस देखो ये मम्मी आ जाओ देखो गाइस ये बंदर यार बड़े आते हैं यार मंदिर में। तो गाइस ये है पीछे वाला रास्ता ये। हाँ देखिए गाइस ये पीछे का रास्ता पूरा दिया है यार। और देखो लोग ये प्रसाद प्रसाद जो भी लगा देते हैं अपने यहाँ मन्नत वगैरह होती है तो पीछे मंदिर के पीछे ऐसा मांगते हैं कि मैंने भी सुना है कि मंदिर के पीछे होते हैं भगवान जल्दी सुनते हैं अगर उन्हें कोई बात बताई जाए तो। ये देखो ये कुछ मांग रही है मेरे हिसाब से। अब मांग लिया हो तो चले कल के ये रास्ता है और आगे इसमें मंदिर जी और बने हुए हैं तो चलिए एक और मंदिर में अंदर एंट्री होती है। और ये देखिए राधा कृष्ण का कितना सुंदर लग रहा है ये बहुत। गाइस देखो 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 भैया ये देखो घंटा देखो घंटे कितने बड़े बड़े लगे हैं और कान पेटी भी है और बड़ा अच्छा सा लग रहा है यार इस मंदिर में आके। और गाइस ये देखो ये शायद शनि महाराज की है। कौन शनि महाराज की मूर्ति नहीं काल ये शनि महाराज के काल व्यक्ति अब आई डोंट नो रियली। देखो ये है शिव भगवान आगे बढ़ते हैं मंदिर में। कोई नाम भी घंटा देखो यहाँ भी देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है और ये नीचे देखो बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं चलिए और ये एक और मंदिर है। तो गाइस देखो अभी हम बैठे हुए हैं यार मंदिर में तो पूरे घूम लिए हैं और अब थोड़ा ना बैठ ले रहे हैं थोड़ा आराम कर ले रहे हैं। और देखिए गाइस यहाँ स्कूल के यार बच्चे वगैरह भी बहुत आते रहते हैं। देखिए जिस तरह से ये तीन लड़कियाँ आई हुई हैं यार देखो आपको बताते हैं इस टाइम। और मुझे लगता है ये स्कूल की या तो छुट्टी हो गई है यानी क्या बात है अभी तो ये आ रही हैं। और गाइस देखो ये मंदिर के साइड में अभी ये दो कुछ मंदिर बने हुए हैं यार लाओ आपको ये भी दिखा देते हैं। और ये देखो ये साईं बाबा का मंदिर है और ये देखिए पास से उसके जस्ट सामने दूसरी तरफ आपको एक और मंदिर दिखेगा। और ये एक मंदिर है ये गंगा माँ का मंदिर है और बड़ा ही खूबसूरत सा मंदिर बने हुए हैं दोनों। ये जगह कहाँ की हुई है मुझे लग रहा है हाँ ये मेला मेला के लिए जगह उठी हुई है यहाँ देखो मेला के लिए लगने वाला है। तो गाइस मंदिर आपको पूरा दिखा दिया है और अभी हम मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और देखो यहाँ यार कितनी दुकानें लगी हुई हैं और देखो एक दो मंदिर इधर भी बने हुए हैं ये छोटे छोटे मंदिर हैं। ये देखो एक शिवलिंग दी हुई है और यार बड़ा ही खूबसूरत सा एक मंदिर है। और जिस तरह का आज हमने आपको ब्लॉग दिखाया बताइए अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।